बातों में दखल नहीं या कोई नहीं कर सकता भारत पर, क्योंकि अब हम विश्व गुरु बन चुके हैं या बनने की दिशा में आगे बढ़े। आज अतुल भाई ये एक माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा देवेंद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह मेरा आखिरी सवाल आपसे बहुत संक्षेप में और बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। 2019 में क्या CIA की रिपोर्ट कांग्रेस का मुद्दा होगी? अतुल भाई मैं लास्ट कमेंट्स बहुत जिम्मेदारी के साथ देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ये दुनिया का जो सबसे शानदार लोकतंत्र, जो हमारा सर्वधर्म समभाव का सेकुलर राष्ट्र है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। जब देश आजाद हुआ था तो उसी समय पाकिस्तान भी हुआ था, वो एक धार्मिक राष्ट्र था, धार्मिक राष्ट्र था, और हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर राष्ट्र बनाया गया था। आज आप देख लीजिए अतुल भाई कि पाकिस्तान की क्या हाल है। आज पाकिस्तान का हक एक धार्मिक राष्ट्र, एक धार्मिक राष्ट्र होने के बाद किस तरीके से वो आतंकवाद से जूझ रहा है, दुनिया में एक आतंकी देश के रूप में है। क्या हिंदुस्तान को इसी तरीके बनाना चाहते हैं? नहीं, वो तो करना चाहते हैं। हिंदुस्तान तो बन गया था पाकिस्तान, कर्नाटक चुनाव के बाद देखा नहीं था छत्तीसगढ़ में क्या बोला था राहुल गांधी है। अरे देवेंद्र भाई भूल गए क्या? इतनी जल्दी भूल जाते हैं आप? अरे देवेंद्र भाई भूल जाते हैं आप? हिंदुस्तान तो पाकिस्तान बन गया था कर्नाटक चुनाव के बाद, बाद में जब आपने सरकार बना ली तो फिर से हिंदुस्तान बन गया, भूल गए थे क्या? छत्तीसगढ़ में बोला था सर, यही कांग्रेस के ही लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। 2019 कांग्रेस के ही लोग जो हैं, 2019 में CIA की रिपोर्ट आपका मुद्दा होगी क्या? भाई बस इसका जवाब दीजिए तोड़ने का, एक लाइन में। 2019 में CIA की रिपोर्ट कांग्रेस का मुद्दा होगी क्या सबसे बड़ा? अतुल भाई 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की नफरत, भारतीय जनता पार्टी की झूठ, जुमलेबाजी, वादा खिलाफी और जो देश की जनता को जो परेशान करने का काम किया है, चाहे किसान हो चाहे मजदूर। ठीक है, मैं समझ गया, आपका ये मुद्दा नहीं होगा, मुद्दे से आप सहमत जरूर हैं, CIA की रिपोर्ट आप मानते जरूर है। बहुत शुक्रिया सुनील मिश्रा आपका, विजय उपाध्याय जी आपका, देवेंद्र भाई आपका, अभिषेक गुप्ता आपका और जयभगवान गोयल साहब आपका।